मैं सच कहता हूँ, कभी मैंने ऐसा फैशनेबली का काम नहीं किया। ये लफड़ा वाला काम, सीधा साधा काम रखो, पढ़ने में अच्छे नंबर लाओ, साधु बन जाओ तो साधु में भी पढ़ाई करो, ऐसा नहीं अंधा धुंध जब मौका मिला तब सो रहे हैं। पढ़ो लिखो, याद करो, इधर उधर कमंडल लेकर भंडारा खाते घूम रहे, भंडा फोर करते, एक अक्षर याद नहीं है, चौपट ना तिवारी, न लोटा है न थारी, मरने की तैयारी। साधु बन करके टाइम निकाल करके अध्ययन भी कीजिए, याद कीजिए, बीजक याद कीजिए, ज्ञान की पुस्तकें पढ़िए, मस्तक में ज्ञान होना चाहिए। जो साधु ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेगा, जो साधु गुरु की सेवा नहीं करेगा, जो साधु गुरु का सत्संग नहीं सुनेगा, गुरु से प्रेम नहीं रखेगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ वो साधु साधु नहीं रह जाएगा, वो दो चार साल के बाद कहीं ना कहीं से पत्नी ढूंढ के ले आएगा। मैं बड़ी साफ सुथरी बातें करता हूँ, इसलिए मेहरकुल्ले साधु हमारे पास बिल्कुल नहीं आते हैं। एक दिन सुबह इंजेक्शन मारता हूँ, शाम को निकल भागते हैं कि असंग साहेब का मामला बहुत कठिन है। और मैं सीधे भी बोल देता हूँ कि आँख को संभाल के रखना, नहीं तो आँखें फोड़ दी जाएंगी, संसार में अंधे हो जाओगे, संभल के चलो। ये वह आँखें हैं, अगर इनको संभाल लो तो इनमें इतनी शक्ति पैदा हो जाएगी कि जिस पर नज़र डाल दोगे उस पर कृपा की दृष्टि पड़ जाएगी, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये वह हाथ हैं जिनको संभाल लो तुम तो जिसके सिर पे हाथ रख दोगे, जिसके आशीर्वाद दे दोगे, उसकी ज़िंदगी सुखद हो जाएगी। आपके हाथों में, आपकी आँखों में, आपकी वाणी में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, जो कहोगे वही घटित हो जाएगा। लेकिन वाणी का संयम, आँख का संयम और अपने चरित्र का संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करो तो साधु की वाणी में भी शक्ति होती है, जैसा आशीर्वाद देता वैसा फलित होने लग जाता है। सच्चे साधु बनो, भक्त भी अच्छे बनो। ऐसे भक्त मत बनो कंठी भी पहन लिया, जब शराब पीना हुआ तो कंठी निकाल के खूंटी में टांग दिया, सवेरे नशा उतर गया फिर पहन लिया। एक आदमी कहता था, जब शराब पीना होता है तो कंठी पीछे कर लेता हूँ और नशा उतर जाता है तो फिर घुमा के आगे कर लेता हूँ। मैंने कहा कमाल है, आप आग में हाथ डालो कंठी पीछे कर लो तो क्या हाथ नहीं जलेगा, और कंठी आगे करके हाथ डालो तो भी जलेगा, कंठी निकाल कर आग में हाथ डालो तो भी जलेगा, कंठी पीछे कर लो तो भी हाथ जलेगा। इसलिए आग में हाथ डालना ही नहीं चाहिए, चाहे कंठी पहने हैं आप या नहीं पहने हैं, आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन से माला पहन लिया उस दिन से कोई प्रकार का नशा नहीं रहना चाहिए, सख्त नियम का पालन करना चाहिए, परम भक्त बनकर रहना चाहिए। तुम्हारे गुरु को नाज रहे कि मेरा भक्त बहुत पक्का है, तुम्हारा उदाहरण लाखों के बीच में दे सके और तुमको खड़ा कर सके कि ये मेरा प्यारा भक्त है। लेकिन तुमको कैसे खड़ा करे कि जितने कर्म जगत में ही ने वो सब हैं तुमने किन्हे, तो गुरु खड़ा करे तो उसकी भी इमेज डाउन हो जाए। अच्छे भक्त बनिए, श्रद्धा भी अच्छी रखिए, खान पान सुधारिए, जीभ के गुलाम मत बनिए, जीभ को कंट्रोल कीजिए, नशा व्यसन से मुक्त रहिए। ज़्यादातर पुरुष लोग शराब पीते हैं और शराब पीकर कम उम्र में मर जाते हैं, महिलाएं विधवा हो जाती हैं। शराब पीने की गलती पुरुष करते हैं और रिश्ता जुड़ा है पत्नी पति का तो पत्नियां उसका दुख भोगती हैं, अनाथ हो जाते हैं बच्चे, अनाथ हो जाती हैं स्त्रियां। शराब पीना हो शादी के पहले अपनी पत्नी से कहो, जिसको पत्नी बनाना है उससे कहो कि शराब पीऊँगा, शादी करना हो तो करो, न करना हो न करो, तो शायद तुमको कोई पत्नी नहीं मिलेगी, बिना पत्नी के ही रह जाओगे। और मिलेगी तो ऐसी मिलेगी, तुम एक बोतल पियोगे तो चार बोतल पिएगी, और तुम घर में आग लगाओगे तो खेत में भी आग लगा देगी, ऐसी होगी, तुमको भी जाल भुन के ख़त्म कर देगी। ये सब गंदी आदतों को छोड़िए, संभल संभल करके चलिए। तो साहेब कहते हैं ज्ञान और वैराग्य ये तुम्हारे सुख देने वाले साथी हैं,
चलना संभल संभल के माया नगर यही है। आगे की पंक्ति और मैं सुनाता हूँ क्योंकि समय थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा, इसलिए सभी पंक्तियों पर विचार कर लिया जाए। पहन फोरी गंग एक निकरी चौदिस पानी पानी, तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। पहन फोड़ कर, यानी पहन माने पहाड़ होता है, पहन माने पत्थर होता है। पत्थर की चट्टान को तोड़ करके एक गंगा निकली है, उस गंगा में इतना पानी निकला है कि उस पानी में दो पहाड़ डूब गए। बड़ी विचारणी बात है, पत्थर की एक चट्टान है, उस चट्टान को तोड़ करके गंगा निकली है और उस गंगा के जल में दो पहाड़ डूब गए, इतना पानी निकला है, चौदिस पानी पानी। पत्थर की चट्टान कौन है? अज्ञानता की चट्टान ही पत्थर की चट्टान है। इस अज्ञानता की चट्टान को भक्ति के माध्यम से जो ज्ञान और वैराग्य पैदा होता है, ज्ञान के द्वारा अज्ञानता की चट्टान टूट जाती है। और जब अज्ञानता की चट्टान टूटती है तो उसमें से ज्ञान की गंगा बहकर निकलती है, और ऐसी गंगा निकलती है जिसमें अहंकार और मोह के दो पहाड़ डूब जाते हैं। दो पहाड़ डूब गए, कौन पहाड़? एक तो मोह का पहाड़, दूसरे अहंकार का पहाड़। पहाड़ की ऊंचाई भी छोटी है हमारे अहंकार की ऊंचाई से, और वो ज्ञान के जल में डूब जाते हैं। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो अहंकार को खत्म करता है और मोह को भी खत्म करता है। अहंकार का जन्म अज्ञान से होता है और ज्ञान के द्वारा अहंकार की मृत्यु हो जाती है। अहंकार धनवान होने से नहीं आता है, अहंकार पैसे होने से नहीं आता है, अहंकार कार होने से नहीं आता है, अहंकार तो अज्ञान से आता है। जिसके पास अज्ञान होता है, धन हो ना हो, कार हो ना हो, पूरा बेकार हो, लेकिन फिर भी अहंकार उसको आ जाता है, और कितना ही धनवान हो लेकिन वो कृष्ण भगवान बनकर विनम्र हो जाता है जब उसके ज्ञान पैदा होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि धनवान बनो, धनवान बनना गुनाह नहीं है। हमारे सभी भक्त उन्नति करें, अच्छा मकान हो, अच्छी दुकान हो, अच्छी गाड़ी हो आपके पास में, अच्छे कपड़े पहनिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाइए। धनवान होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन धन का अभिमान होना अपराध कराता है, और धन ना हो तो भी यदि अभिमान है तो भी अपराध होता है। अहंकार अपराधों की जननी है, अहंकार टकराना चाहता है, अहंकार लड़ना चाहता है, और अहंकार के रूप बहुत विचित्र विचित्र रूप होते हैं। एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। कोई साधु किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने गया। भिक्षा मांगना बहुत कठिन काम है। अभी आपसे कहूं कि भिक्षा मांग के लाओ सब लोग, तो तुम घर से ले आओगे लेकिन भिक्षा मांगने नहीं जाओगे। मेरे से तुम कहो भिक्षा मांग लाओ, तो अभी तक तो भिक्षा मांगा नहीं हूँ, लेकिन सोचूंगा कोई जुगाड़ से ले तो आऊँगा, पर भिक्षा मांगने की हिम्मत कम जुटेगी, जुगाड़ से ले आऊँगा। भिक्षा मांगने में अहंकार की मृत्यु हो जाती है, लेकिन भिक्षा मांगने की आदत बन जाए तो भिक्षा भी धंधा बन जाती है। हिंदुस्तान में भिखारियों के परिवार हैं, भिखारियों के कुटुंब हैं, भिखारियों की भीड़ है, उनका वही धंधा बना हुआ है। शहरों में जाओ देखो, स्त्रियां भीख मांग रही, पुरुष भीख मांग रहे हैं, और भिखारियों के इलाके हैं, भिखारियों के क्षेत्र हैं, भिखारियों की बाउंड्री है, भिखारियों की सीमा है, बॉर्डर है। एक भिखारी दूसरे भिखारी की सीमा में चला जाए तो दूसरा भिखारी उसको मारता है, पीटता है, तुम इधर क्यों आए? तो भिक्षा मांगने वो साधु गया। परमार्थ के लिए भीख मांगना शुभ है, धर्मार्थ के लिए भीख मांगना पुण्य है,
परोपकार के लिए भीख मांगना पुण्य है, सत्संग समागम के लिए मांगना बुरा नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मांगना बहुत बुरा है। मांगो पर परमार्थ के लिए मांगो। हमारे संत महात्मा एक दोहा गाते हैं कि मांगो नहीं मर जाऊं, मांगो नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारणे मोहिना आवे लाज। कितना बढ़िया दोहा है। कहते हैं मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारणे मोहिना आवे लाज। कोई बड़ा आयोजन आपको करना हो राजधानी रायपुर में जिसमें करोड़ों का खर्चा हो तो मांगना पड़ेगा, और तुम्हारे द्वार पर ऐसे आयोजन के लिए कोई मांगने आ जाए तो उसको बहुत अच्छा चाय पिलाना, बिस्कुट खिलाना, धन्यवाद देना कि भाई आप समय भी दे रहे हो, शरीर भी लगा रहे हो, धन भी लगा रहे हो, दौड़ रहे हो, सबको हाथ जोड़ रहे हो, मेरे द्वार आए हो, लीजिए 2100 रुपये मैं दे रहा हूँ, और जो बताओ वो सहयोग देने को तैयार हूँ, गांव में आपको सहयोग दिलाता हूँ। अभी हमारे पास में सोनपैरी गांव अभनपुर टिकारी के पास में है, वहाँ के कुछ नवयुवक आए, बोले 15-20 साल से यहाँ रामायण बंद चल रही, तो इस साल हम लोग सोचे रामायण करा दूँ। मैंने कहा करा दो। बोले आपको आमंत्रित कर लूँ। मैंने कहा कर लो। आमंत्रित किया। मैंने कहा मेरे पास उस टाइम बुकिंग है, मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन 2100 रुपये तुमको रामायण के लिए दे रहा हूँ, और साथ साथ में कुछ और चाहिए तो बताइए। तो बोले चाहता ये हूँ कोई मिनिस्टर आ जाए मेरे समागम में। मैंने कहा ये तो आप हमारे संत प्रवीण जी से संपर्क कीजिए, ये खेल उनके डिपार्ट का है, मेरा खेल नहीं है, वो भी मिनिस्टर भी आ जाएंगे। और कुछ चाहिए? बोले और आशीर्वाद चाहिए। बोले अगले साल आप आ जाना। हमने कहा अगले साल मैं आ जाऊँगा। हम संत हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन वो राम कथा नवयुवक कराने जा रहे थे, तो मेरे अंदर ये इच्छा हुई 2100 रुपये शांति रहेगी, अगर 2100 रुपये में अपराधों को खत्म करने का अभियान चालू हो जाए तो ये सस्ता सौदा है, कोई महंगा सौदा है। इसलिए धार्मिक प्रचार के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। इस गांव में मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे जो मेन आयोजक हैं नीलू वर्मा, क्या नाम, नीलू साहू, वो साहू जी, वे तो कथा सुनते थे, सत्संग सुनते थे, लेकिन गांव के लोग इतने प्यारे हैं, न्यारे हैं, सब भोजन बना रहे थे, पारस कर रहे थे, सारी व्यवस्था, दिलीप कुमार वगैरह वगैरह सब जुटे हुए थे। ऐसा होना चाहिए, आपके गांव में समागम हो, कोई भी अगुआ बने, अपने को सेवा का मौका मिल जाए, उसके नमस्कार करके कहना चाहिए कम से कम आप सत्संग की गंगा ले आए तो हमको भी थोड़ा सेवा का मौका मिल गया, नहीं तो किसको भोजन परोसने का मौका मिलता। हम रोज भैंस की नांद में पैरा कुट्टी परोसते हैं, उससे कौन ज़्यादा आशीर्वाद मिलने वाला है, गोबर और दूध मिलेगा, लेकिन जो भक्त गुरुदेव के प्यारे हैं उनके भोजन थाल में परोस देंगे, उनकी दुआएँ मिलेंगी तो हमारा धन्य हो जाएगा जीवन। सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है, इंसान की सेवा बहुत पुण्य लेकर आती है। तो साधु भीख मांग रहा था, और उसका नियम था कि भीख जब पूरी मिल जाती थी तो नहीं मांगता था। मांगने गया, उस द्वार पर भीख मिली नहीं, बहू थी, सासू थी नहीं, बहू ने मना कर दिया यहाँ भीख नहीं मिलेगी, आगे बढ़ो जाओ। साधु आगे बढ़ गया, आगे से सासू आ रही थी। सासू ने कहा तुम क्या मेरे घर पे भीख मांगने गए थे बाबा जी? बोले हाँ। भीख मिली? बोले ना। तो क्या कहा बहू ने? मना कर दिया आगे बढ़ो, नहीं मिलेगी भीख, ऐसा बताया। तो सासू ने कहा तुम मेरे पीछे आओ, बहू ने कैसे मना कर दिया आपको? सासू लेकर गई, और साधु बड़ा खुश हुआ, उसने सोचा सासू दयालु है कुछ तो देगी ही, चला गया साधु पीछे पीछे। सासू द्वार पर पहुंची, बहू को पुकारा, इधर आओ निर्मला बाई। तो आ गई वो। ये साधु भीख मांगने आया था, तूने क्या कहा? बहू ने कहा मैंने मना कर दिया, आगे बढ़ो यहाँ भीख नहीं मिलेगी। क्यों मना किया तूने? तू कौन होती मना करने वाली?
जब मैं जिंदा हूँ, मैं सांसू हूँ, मना भी करूँगी तो मैं करूँगी, तूने कैसे मना कर दिया? आज से ऐसा काम गलत मत करना। साधु बाबा ध्यान से सुन लो, इस दरवाजे पर भीख जन्म जन्म तक नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से वापस चले जाओ, भीख कभी नहीं मिलेगी। तो साधु हंसने लगा, उसने कहा कि आपकी बात से तो ऐसी उम्मीद लगी थी कि कुछ मिलेगा। बोले मैं मिलने के लिए नहीं लाई थी, मैं तो मना करने के लिए लाई थी कि मैं मना कर दूंगी, वो सासू हूँ इसलिए मैं मना। अब ये सासू होने का अहंकार है कि मैं मना करूँगी। आपका बालक भी अगर अच्छा डिसीजन ले ले, बहु अच्छा डिसीजन ले ले, तो उसको धन्यवाद देना, अपने सासू होने का अहंकार मत करना। कभी कभी ऐसा होता है, बाप से ज़्यादा चतुर बेटा होता है और सासू से ज़्यादा होशियार बहू होती है। अपनी कलाकार बहुओं की कलाओं को प्रयोग कर लीजिए, बुद्धिमान बच्चों की बुद्धि का प्रयोग करके घर की गरीबी को मिटा लीजिए। अगर आपका नाती कुशाग्र बुद्धि का है तो उसकी बुद्धि के डिसीजन को स्वीकार कर लीजिए। ये मत सोचिए मैं दादा हूँ मैं बाप हूँ, यहाँ बाप और दादा की बात नहीं है, यहाँ बुद्धि के डिसीजन की बात है। अगर आपका छोटा बच्चा सही डिसीजन लेता है तो उसको भी धन्यवाद देना और उसको नेतृत्व करने की कमान थमाना, तो तुम्हारे घर की बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी, विकास होता चला जाएगा। क्योंकि उम्र से बुद्धि का संबंध नहीं होता है। अभी किसी घर में मैं गया था छत्तीसगढ़ में, तो बूढ़ी सासू बहुत हंस रही थी, खुश थी। तो हमने कहा बहुत खुश हो, क्या बात माता जी? बोले खुश क्या है, दो बहुएं आई हैं, दोनों बहुत बुद्धिमान हैं और हम उनके सामने बुद्धू ही हैं, तो हमने अपने को सिलेंडर कर लिया, आराम करती हूँ और जो वो कहती हैं वो कर देती हूँ, कोई विवाद नहीं है। तो बहुओं ने हमसे कहा है कि तुम रेस्ट करो, अतिथि आए तो उनको संभाल लो और बाकी आप इंटरफेयर कोई मत करो, 3 साल में घर का नक्शा हम लोग बदल देंगे। जिस घर में बुद्धिमान का आदर है, जिस घर में अन्न को संभाल के रखा जाता है, जिस घर में पति पत्नी में कलह कलेश नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी आधी रात को आती है और सैकड़ों साल तक वहाँ डेरा डालती है। इसलिए पति पत्नी में कलह कलेश नहीं करना चाहिए और मूर्खों का सम्मान नहीं करना चाहिए, बुद्धिमान का आदर करना चाहिए और साथ साथ में अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखना चाहिए। ये चाणक्य नीति का फार्मूला है, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिनके पति पत्नी के बीच में प्रेम रहता है, कलह कलेश नहीं होता है, उनके घर की बहुत उन्नति होती है। भाई भाई में प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, बाप बेटे में प्रेम है, गुरु भाई में प्रेम है, गुरु शिष्य में तालमेल है, उस आश्रम की भी उन्नति होती है। कितने आश्रमों का देखो तो भट्ठा बैठ गया है, पूरी दीवारें चारों तरफ गिरने वाली हैं। अब कब गिरेंगी, किसके ऊपर गिरेंगी, जो उसमें ज़्यादा पापी है उसी के ऊपर गिरेंगी। सब डीहुडेला हो गया है, कोई न सलाह है, न प्लानिंग है, न कोई सेटिंग है, न कोई नेतृत्व करने वाला है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं सब लोग। एक डोरी में बंद करके रहिए, संगठन को तैयार कीजिए। अभी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हमारे साथ में जो भी विकास हुआ ये संगठन से हुआ है। ये हमारे साथ में जितने संत हैं, हम ये सब संगठित हैं। अगर ये संत एक कमंडल खो देता है 100 रुपये का, तो उसमें हमारा भी 5 रुपये का नुकसान होता है, क्योंकि ज्वाइंट हैं सब हम। और मेरे से अगर 500 का नुकसान हो जाए तो इसका भी 10 रुपये नुकसान हो जाता है, इसमें सब जुड़ के रहते हैं। लेकिन अगर मैं फ़ायदा करता हूँ तो उसका भी फायदे में हिस्सा है और वो फ़ायदा करता तो मेरा भी हिस्सा है। जहाँ पर हम जुड़ करके रहते हैं, रामायण कहती है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसलिए सुमति बना कर रही है। जिनका पीला कुर्ता और पीला झंगोला है, गले पे सफ़ेद रुमाल है, वही छत्रधर दीवान मेरा प्यारा लाल है, मेरा प्यारा लाल है। बहुत प्रेमी हैं वो, कहते हैं हम आपका सत्संग सुनने बहुत बार आते हैं और स्वयं भी भागवत कथा करते हैं। कथाकार और संत, ये दोनों का बड़ा संगम है। जो कथाकार बुद्धिमान होगा वो संत से जुड़ जाएगा। हमारे यूपी में 20 कथाकार हमसे जुड़े हैं, उनके कथा में 6,000 लोग बैठते हैं, 10,000 बैठते हैं,
लेकिन वो कंठी माला पहन करके शिष्य बनकर कहीं होर्डिंग लगाते हैं, गुरु का फोटो ऊपर लगाते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? बोले कथाकार हूँ, आप संत हैं, संत के बिना तो भगवान का कल्याण नहीं हुआ था तो मेरा कैसे होगा? हम तो कथाकार हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, आपकी कृपा मिल जाएगी तो अवगुण नहीं आएंगे, नहीं तो बहुत अवगुण आ जाएंगे, ऐसा वैसा खाना पीना छूटेगा नहीं। तो मैंने कहा कुछ फ़ायदा हुआ शिष्य बनने से? बोले फ़ायदा इतना हुआ है, पहले लोग मेरी कथा सुनते थे और निंदा भी मेरी करते थे, अब कथा सुनते हैं फिर मेरा गुणगान करते हैं, कहते हैं महेंद्र सिंह कथाकार असंग साहिब के शिष्य हैं, अब सिगरेट नहीं पीता है, बहुत अच्छा कथाकार है। इसलिए कथाकार और पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, काव्यकार, गद्यकार, मूर्तिकार, जिनके पीछे कार 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 लगा हुआ है, अगर ये संत से जुड़ जाएं तो ये दुनिया के आकार को सुधार देंगे, अगर संत से नहीं जुड़े हैं तो इनके खुद का आकार भी बिगड़ सकता है। इसलिए संत से जुड़ना चाहिए ताकि इनके अंदर ऐसी शक्ति पैदा हो जाए कि पूरे संसार के आकार को सुंदर कर सकें, अपने कथा के आकार के द्वारा दुनिया का आकार अच्छा बना दें। ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ हमारे पंडित दीवान में भी ऐसी शक्ति पैदा हो जाए। संतों भक्ति सतो गुरवानी, पहन फोरी गंग एक निकरी चौदिस पानी पानी, तही पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी, बिहाय कामान्य सर्वान्न पुमांस चरत निष्प्रह निर्मम निरहंकारा शांति मदिगच्छति। श्री कृष्ण अर्जुन से श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जो निष्काम है, निष्प्रही है, जिसने ममता और अहंता को तोड़ दिया है, उस व्यक्ति को शांति मिलती है। कबीर साहब कहते हैं भक्ति कीजिए, उससे ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान के हथौड़े से अज्ञान की चट्टान टूटेगी, जिससे ज्ञान की गंगा बहेगी, जिसमें अहंकार का पहाड़ और मोह का पहाड़ डूब जाएगा, तब तुम्हारे जीवन में आनंद का सागर लहराने लग जाएगा। चौदिस पानी पानी, तही पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी, ओड़ी माखी तरीवर को लागी बोले एक बानी, वह माखी को माखा नहीं गर्भ रहा बिन पानी। आप देखते हैं जब धरती पर पानी भर जाता है तो मक्खियाँ उड़ करके पेड़ों के ऊपर बैठ जाती हैं, क्योंकि पानी पर कैसे बैठें, डूब जाएंगी, कहाँ तक बैठी रहेंगी। तो साहब कहते हैं कि जब जीवन के धरातल पर ज्ञान का जल भर जाता है, ज्ञान की गंगा भर जाती है, तो जो मनोवृत्ति रूपी मक्खी विषयों में भोगों में बैठी थी, वहाँ से उड़ करके आत्मज्ञान के वृक्ष की ऊंचाई पर जाकर बैठ जाती है। जो मनोवृत्ति आज तक राग रंग में बैठी थी, विषयों में बैठी थी, भोगों में बैठी थी, वो अब ज्ञान के जल के भर जाने के कारण वहाँ से उठ करके आत्मज्ञान के वृक्ष की चोटी पर जाकर बैठ जाती है। और उस माखी का माखा नहीं, उस मनोवृत्ति का कोई दूसरा पति नहीं है, केवल एक ज्ञान के सहारे, भक्ति के सहारे उसके द्वारा शांति का जन्म होता है, और जिस शांति में आनंद आ जाती है उसका और कोई पति नहीं है। वह माखी को माखा नहीं गर्भ रहा बिन पानी, शांति पैदा होती है। नारी शकल पुरुष वे खाए ताते रहे अकेला, कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। साहब कहते हैं माया रूपी नारी है, प्रथम पंक्ति में जो नारी शब्द आया वो भक्ति रूपी नारी थी, लास्ट पंक्ति में जो नारी शब्द आया है ये माया रूपी नारी है। नारी शकल पुरुषों वे खाए, इस माया रूपी नारी ने समस्त पुरुष माने आत्मा, पुरुष माने ये पुरुष नहीं और नारी माने ये स्त्रियां नहीं, माया रूपी नारी स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर जो चेतन तत्व पुरुष बैठा हुआ है उसको ये माया रूपी नारी भ्रष्ट करती है। नारी सकल पुरुष वे खाए ताते रहे अकेला, तो कबीर साहब कहते हैं इसलिए असंग बन करके रहो। अकेला रहना यानी असंग रहना, रहना तो सबके साथ में पड़ेगा लेकिन असंग रहो, असंग मतलब अनासक्त हो करके सबके संग रहो, लिप्त ना हो, डूबो मत, मोह में फंसो मत। जैसे मैं भी आपके संग में रहता हूँ लेकिन आसक्त नहीं होता हूँ, आप में डूबता नहीं हूँ कि मोह ममता में फंस जाऊँ।
उसमें नहीं फंसता हूँ। ऐसे संसार में रहो, पर ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है। पानी में कमल रहता है लेकिन कमल का फूल पानी से अलग रहता है। ऐसे आपकी जिंदगी कमल बन जाए, इस माया रूपी जल में रहोगे लेकिन माया के जल से अलग रहो, तब समझ लो जीने की सार्थकता है। उसी को कबीर साहब कहते हैं असंग बनकर रहना चाहिए, अर्थात अकेला रहना चाहिए। असंग, असंग का अर्थ भी बड़ा विचित्र है। असंग माने क्या होता है? सत्संग माने तो सत्संग जो आप सुन रहे हो, कुसंग माने बुरी संगत, लेकिन असंग माने, अभी एक माता जी ने प्रश्न पूछा था राजनांदगांव में, तुम्हारा नाम असंग है, तुम संतों के संग रहते हो तो असंग नाम क्यों है, और फिर सबको सत्संग सुनाते हो खुद असंग नाम क्यों रखा है? तो मैंने कहा बड़ी तार्किक है महिला ये। असंग का अर्थ होता है जिसका जीवन अनाशक्त है वो असंग कहलाता है। जो संसार में है, लोगों के साथ में है, लेकिन अंदर से चिपका नहीं है, क्लिंगिंग नहीं है, आसक्ति नहीं है, उसको असंग कहा जाता है। ऐसा आपका जीवन भी असंग बने, संसार में रह करके आप मोह में डूबने न पाए, कहीं आपका चित्त चिपकने न पाए, भक्ति और सत्संग में रुचि बनी रहे, तब समझो तुम असंग हो गए। ताते रहे अकेला, अभी संसार में आकर के अगर आप बीड़ी पीने लग गए, दारू पीने लग गए, गांजा पीने लग गए, गुड़ाखू घिसने लग गए, तो असंग नहीं रह गए, फिर तो आप चिपक गए, आसक्त हो गए, कहीं ना कहीं फंस गए। इनसे बचो। अनावश्यक चीज़ों का प्रयोग मत कीजिए, व्यर्थ की आदतों को छोड़ दीजिए, सदैव प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए, आलस्य को दूर भगाइए, समय की ख्याल रखिए, किस समय क्या करना है, टाइम का मूल्य समझिए, थोड़ा शरीर को कष्ट हो सह लीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य से विचलित मत होइए, उद्देश्य को पूरा कीजिए। आपके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत कुछ कर सकते हो, तुम साधारण बन करके जिंदगी क्यों जी रहे हो? आप भौतिक उन्नति भी कर सकते हो, आध्यात्मिक के चरम शिखर पर भी चढ़ सकते हो। एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी सुनाऊंगा, फिर आपको विराम दूंगा। किसी बाजार में एक आदमी गुब्बारा बेच रहा था, रंग बिरंगे गुब्बारे उसके पास थे, और जब गुब्बारों की बिक्री कम हो जाती थी तो एक गुब्बारा आकाश में उड़ा देता था। गुब्बारे के अंदर गैस भरी हुई थी, गुब्बारा आकाश में उड़े रंग बिरंगा, तो बच्चे मचल जाते थे, गुब्बारा लूँगा गुब्बारा लूँगा, उसकी बिक्री बढ़ जाती थी। फिर भीड़ हो जाती थी तो एक बच्चा मचल गया और गुब्बारा वाले के पास में गया अपने पापा को लेकर, तो उसके मन में एक विचार आया। बच्चे के मन में गुब्बारा जो बेच रहा था वो लंबा कुर्ता पहने था, इतना लंबा कुर्ता था कि जमीन में टच नहीं होता था, थोड़ा सा बचता था, तो छोटा बच्चा था वो कुर्ता पकड़ करके नीचे जोर से खींचता था। तो गुब्बारा बेचने वाले ने कहा, तो कुर्ता क्यों खींचता है? गुब्बारा लेना है तो ले, कुर्ता क्यों खींचता है? बोले, गुब्बारा भी लेना है और गुब्बारा वाले से बात भी करना है, इसलिए कुर्ता खींच रहा हूँ ताकि तुम नीचे देखो तो बात हो सके। बोले, क्या तू बात करेगा? छोटा लड़का है। बोले, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि तुम कितने दिनों से गुब्बारा बेचते हो? उसने कहा, दिनों की बात छोड़, 40 साल हो गए मुझे गुब्बारा बेचते बेचते। मेरे बाप गुब्बारा बेचते थे, बाप के बाप भी गुब्बारा बेचते थे, अब मैं भी गुब्बारा बेचता हूँ, मेरा लड़का भी गुब्बारा बेचता है। 150 वर्षों से गुब्बारा बेचने का धंधा चल रहा है। तो उस बालक ने कहा कि ये गुब्बारा जो लाल रंग का उड़ रहा है, क्या काले रंग का गुब्बारा भी ऊपर उड़ सकता है? पीले रंग का भी उड़ सकता है आकाश में? तो गुब्बारा बेचने वाले ने कहा कि बेटा, ये गुब्बारा रंग के कारण नहीं उड़ रहा है, ये गैस के कारण उड़ रहा है। गुब्बारा चाहे जिस रंग का हो, उसके अंदर गैस भरी है इसलिए उड़ रहा है, जिसमें गैस भर दी जाती वो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है। तो उस बालक ने कहा, बापू मेरे, 40 साल गुब्बारा बेचते तुमको हो गए, तुम्हारे बाप भी जिंदगी भर गुब्बारा बेचते रहे, बेटा भी गुब्बारा बेचता है, तो मैं कहना चाहता हूँ, जब हर रंग का गुब्बारा आकाश में उड़ सकता है तो हर व्यक्ति भी विकास के आकाश में उड़ सकता है। आप जिंदगी भर गुब्बारा क्यों बेचते रहे? संस्कार की गैस भरिए और अपने को विकास के आकाश में ऊपर उड़ाइए।
ये उस बालक के शब्द उस गुब्बारा बेचने वाले के दिल में चुभ गए। इस शब्दों पर विचार किया उसने, तुरंत अपने धंधे को चेंज किया और वो व्यक्ति 3 साल में करोड़पति व्यक्ति बन गया। याद रखना, अगर संस्कार की गैस आप के अंदर भर दी जाए तो आप जो काम 300 साल में नहीं कर पाए वो 3 साल में कर सकते हो। सत्संग कुछ और नहीं देता है, सत्संग तुम्हें संस्कार देता है, और जिसके संस्कार अच्छे हैं उसका संसार अच्छा हो जाता है, संस्कार बिगड़ गए तो संसार बिगड़ जाता है। इसलिए अच्छे संस्कारों को पकड़िए। आप बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं, आपकी मेहनत सार्थक हो, आपका सुंदर स्वभाव बने, आपके घर में सुख शांति आए, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। अपने पति की बात को सहने की शक्ति आपके अंदर पैदा हो। बड़ों को जवाब न दें, उनकी बात को सुनना सीखें। छोटों से स्नेह करना सीखें, बड़ों का सम्मान करना सीखें, अतिथि का आदर करना सीखें और गुरु की पूजा करना सीखें। साथ साथ में घर में गम खाना भी सीखें और हंस मुस्करा कर रहना सीखें। नशा व्यसन को छोड़ दें, अपने मन को बुराइयों से मोड़ दें, गुरु के चरणों में जिंदगी को जोड़ दें, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कोई गंदगी नहीं रहेगी, आपकी ज़िंदगी बंदगी बनेगी और राम राज्य की शोभा आपके जीवन में दिखाई देगी। आप सभी का जीवन सुखद हो।